वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दिन के दो या दो बज गए होंगे और अभी हम लोग का चल रहा है लंच। दिशडू को भी कर रहे हैं, उसके पापा भी लंच खा रहे हैं और मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैंने अपना ब्लॉग अभी दोपहर में स्टार्ट किया है और आज है डे मंडे, बट मैंने छुट्टी की हुई है क्योंकि मेरी सुबह तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी। सो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ तो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ना कल परसों से एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लीव नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए मुझे अभी लेना पड़ गया। तो फ्रेंड्स, बस आज मैंने लंच में ज्यादा कुछ नहीं बनाया है, थोड़ा सा दाल चावल और आलू का भरता बनाया हुआ था और बस मॉर्निंग में चिल्ला बनाया था मैंने, तो मैंने सोचा कि दोपहर में इसके पापा ने मॉर्निंग में खाया नहीं था तो उनके लिए भी मैंने वही रख दिया था। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दिश डुगो का लंच चल रहा है। और यार मम्मा, चैन से खाने तो दिया करो। मम्मा यार, चैन से खाने भी नहीं देते हो, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं, तुम हर टाइम बस परेशान कर रहे हो, क्या करूँ मैं, कुछ तो करने दो। तो गाइज, आज पहली बार दिशु ने अपने हाथों से बनाई है मैगी, ये आप देख सकते हो मेरी प्यारी बच्ची। ऊपर से डाल दे, देखो जरा कम है ना, ठीक है। सही में सही में तो गाइस, मम्मा को नमक भी, मतलब नमक वमक सब ठीक है और मम्मा को बहुत टेस्टी लगा। अब जाके वहाँ पे नानी को और बाकी को बना के खिला दे। हाँ, बट वहाँ इंडक्शन नहीं है। है मंगा लिए हैं ये। अब मैं चाय भी बनाऊंगी। और गाइस, आज मैं जा रही हूँ गांव, तो वहाँ ही बब्बा दादी को मैं चाय बना के पिलाऊंगी, फिर देखती हूँ बब्बा को पसंद आती है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बेडशीट लेकर आए थे, मतलब मैं ना जब दिल्ली गई थी तब मैं वहाँ से दो लेकर आई थी, तो एक काफ़ी दिनों से रखी हुई थी और पहले ऑलरेडी थी दो तीन, बट ये वाली मैंने रख दी थी कि फिर थोड़े दिनों बाद बिछाएंगे, बट ये फिर ध्यान से ही हट गया और ये रखी रह गई। अंकित, गाँव जाओगे तुम भी? आज मम्मी छोड़ने नहीं आई क्या आदि? क्यों? बाय दिशु, याद आई क्या? कल आ जाओगी और याद आई? बाहर खेल, खोलो अंकित, आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ, अंदर आओ। वो रहा, उसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, गंदा है वो। टमाटर है वो। तो गाइस, बच्चे चले गए हैं गांव, मैंने आपको दिखाया ही, और बच्चों के जाने के बाद तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई है ही नहीं, बच्चों से ही रौनक है। मतलब रहते हैं तो हर टाइम हम उनको डांटते रहते हैं और किसी न किसी चीज के लिए रोकते टोकते रहते हैं, बट जिस टाइम नहीं रहते घर बिल्कुल सुना सुना खाली लगता है। अब वो आज गए हैं, मे बी परसों तक आ जाएंगे, क्योंकि दादी का उनके बहुत ज्यादा मन था कि छुट्टियां पड़ी हैं तो वो थोड़े दिनों के लिए आ जाएं यहाँ पे रहने के लिए छुट्टियों में। और हाँ, बच्चों को भी रहता ही है कि छुट्टियों में गांव वगैरह या कहीं हम घूमने चले जाएं, क्योंकि एक ही जगह रह रह के पूरे साल पढ़ाई कर करके इन सब चीजों से वैसे भी वो बोर हो जाते हैं। सो फ्रेंड, बच्चे तो चले गए हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा हो रही हूँ बोर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से जब तक थोड़ी सी बात कर लूँ। और ये आप देख सकते हो मेरे कपड़े कितने ज्यादा ऐसे मैसे पड़े हुए हैं, इनको मैं भी फोल्ड लगा के रखूंगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। किचन में भी थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है मैं उसको कंप्लीट करूंगी और उसके बाद फिर खाना वगैरह आज देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज मैं सोच रही थी कि मैं आलू का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि ज्यादा कुछ आज मेरा बनाने का मन नहीं था और गर्मियां चल रही है ना, तो इसीलिए गर्मियों में बिल्कुल भी सब्जी खाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। सो इसीलिए, और बस आजकल स्कूल मेरा मॉर्निंग में हो गया है, कल मैं आप लोग के साथ शूट करूंगी, शेयर करूंगी आई मीन कि मॉर्निंग में क्या कैसा रहने वाला है। मतलब 7:30 बजे मुझे स्कूल पहुंचना होता है और 1 बजे छुट्टी जाती है, तो दोपहर में क्या रहता है, आराम से रिलैक्स मिल जाता है। सो इस समय काफी मैं अच्छा और
काफी अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि स्कूल में टाइम से आना और टाइम से जाना रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी मतलब दोपहर के टाइम जाना और फिर शाम हो जाए ना आते आते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो इसीलिए अभी मुझे काफी अच्छा लगता है इस टाइम पे। शाम को मेरे पास प्रॉपर टाइम रहता है वीडियो एडिट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए, व्हाटएवर जो भी काम मैं करना चाहूँ। तो और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो साथ के साथ मेरे कपड़े भी फोल्ड होए जा रहे हैं। और ना काफी दिनों से ऐसा था कि मतलब काफी दिन से नहीं, दो दिन से बोल सकते हैं कि यहाँ पर रखे हुए थे। एक दिन मैंने वीडियो शूट किया था ना, मैं आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैं होम टूर शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर जाके देखिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था और पूरा मेरा होम टूर था। शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छे से दिखाने की ट्राई किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और मैं वीडियो का लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो कपड़े जब से फैले हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज फोल्ड लगा लेती हूँ। और वैसे भी मैं बोर हो रही थी, बच्चे चल जाते, इतना ज्यादा काम भी नहीं रहता है। अदरवाइज तो हर दिन डेली कुछ ना कुछ ऐसे काम रहता है कि हम उसमें एंगेज रहते हैं। बट मैंने आपको जैसा कि बताया मॉर्निंग में स्कूल हो गया है और इवनिंग में आ जाना होता है, तो इसीलिए मेरे पास सफिशियंट टाइम रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन में जो भी बर्तन वगैरह धुले रखे हुए थे तो उन सबको मैं अलमीरा में अच्छे से लगा दूंगी। और यहाँ पर ऐसा है कि लकड़ी की अलमारी इसमें बनवानी थी बट ये काफी दिनों से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कब तक हो पाता है, बट जब तक नहीं है तो फिलहाल तो हम इसको ऐसे ही डेकोरेट करके अपना अच्छे से काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी चीज के पीछे हम बैठे रहें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्तन वगैरह जो भी थोड़े बहुत दोपहर के थे उसको मैं खाली करके रख दूंगी, सिंक में डाल दूंगी, फिर जब मैं खाना बनाऊ उसके बाद ही मैं धुलूंगी क्योंकि ज्यादा बर्तन नहीं थे आज, थोड़े ही थे। और ठीक है, ओके। वेयर इज माय की? आई डोंट नो व्हाई। ओके बाय। ओके बाय। सो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए मैंने फेस को अपने वॉश कर लिया है। और गर्मियों में ना मेरी आदत सी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फेस को वॉश करती हूँ जब भी मुझे आई फील गर्मी, मतलब जब भी। सो गाइस गर्मी में ना मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और मुझे जब भी गर्मी गर्मी जैसे फील होता है तो मैं फेस को वॉश करती रहती हूँ। सो इसी वजह से फेस में आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डलनेस हो गई है। और मैं बहुत ही जल्द एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें आपके फेस को गर्मियों में कैसे आप ग्लोई रखें, शाइनी रखें और बिल्कुल भी इसमें मतलब फेस में जैसे डलनेस हो जाती है ना डस्ट वगैरह की वजह से वो नहीं हो, उस पर मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ। देखती हूँ वो वीडियो कब तक आने वाला है। अभी जब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल।